सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने शुक्रवार को निर्माणाधीन रेलवे क्लब तथा रेलवे सड़क का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से वार्ता करके गुणवत्ता की जांच की। इस दौरान सदर सांसद रवि किशन ने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि सड़क के निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ध्यान दिया जाए और कार्यों को समयानुसार पूरा किया जाए। सदर सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रेलवे क्लब का निर्माण होने से पूर्वांचल में अद्भुत छवि नजर आएगी। उन्होंने कहा कि लोगों की जरूरतों का पूरे तरीके से ख्याल रखते हुए निर्माण कराया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, मेरे साथ कोई भी बगैर मास्क के ना जाए, विल वॉक वाटर कनेक्शन, तो सारी चीज़ें हैं, तो एक अच्छा संदेश भी जाएगा पानी और हम लोग कटे होंगे इसके लिए। पेड़ सर बहुत ज्यादा नहीं कटे हैं, ऐसा तो इधर पूरा ये पेड़ का नहीं, नहीं सर, यहाँ ना यहाँ 46 मीटिंग हॉल है, यही मीटिंग, ये मीटिंग हॉल, ये कॉन्फ्रेंस हॉल है। और ये 12 कितने लोग आएंगे इसमें? 500 भव्य होगा, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर। ये लोकल लड़का है, आर्किटेक्ट संदीप सुरेखा है। फंक्शन का रेलवे क्लब, रेलवे क्लब ऑफिस क्लब, एंड देन विल गो फॉर डिनर। महिला समिति हमारी है, वो भी काफ़ी कार्यक्रम करती है। उसके उधर हमारे वी आर हैविंग ग्रीन रूम्स, टू ग्रीन रूम्स एंड देयर विल बी वन मोर। सर इसमें जैसे बहुत अच्छा ऑलमोस्ट 1 करोड़ के बजट की सड़क जो बन रही है 800 मीटर की, वो बहुत ही सुंदर, 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा होगा, बहुत ही सुंदर कार्य उसका हो रहा है और मैं कार्य से बड़ा संतुष्ट हूँ। समय की अवधि भी ले ली मैंने कि समय की अवधि भी है, तो आपने मुझसे कहा कि समय की अवधि है तो 6 महीने बाद 28 फरवरी को कंप्लीट हो जाएगा। 28 फरवरी को ये सड़क, और फिर प्रेक्षागृह मुझे लगता है पूर्वांचल का, मैं रेल मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहूँगा, पीयूष गोयल जी को माननी कि उन्होंने इसको इतना सुंदर सोचा। पीयूष जी जब से आए हैं, मोदी जी की सरकार जब से आई है, तब से आप देखिएगा कि देश के सारे रेलवे स्टेशंस, रेलवे की सारी प्रॉपर्टीज़ का सही इस्तेमाल हो रहा। अब यहाँ के पूर्वांचल का चूंकि रेल स्टेशन इतना एशिया का सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे स्टाफ भी ज़्यादा है, तो उन लोगों के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए एक बहुत सुंदर एक प्रेक्षागृह जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बनाया जा रहा है, जिसको आप लोग वहाँ पर लुक भी देखेंगे और दिखाइएगा भी जनता को कि सरकार का पैसा, मोदी जी की सरकार में जनता का पैसा किस तरह सही इस्तेमाल हो रहा है और किस तरह से एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ बन रही है जिससे वो वहाँ की धरोहर बने आने वाले समय में। तो यहाँ आके हमको बड़ा गर्व हुआ कि ऐसे सुंदर सुंदर कार्य पूज्य महाराज जी के क्षेत्र में हो रहे हैं। गोरखपुर में हम लोग इस वक्त खड़े हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की ये सोच है, पीयूष गोयल जी की ये सोच है, तो मैं समस्त रेल मंत्रालय को भी आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया काम चल रहा है और मैं बड़ा संतुष्ट हुआ यहाँ आके। सारी सुविधाएं हैं, 500 लोगों का प्रेक्षागृह है, तो जनता आएगी और माता बहनें आएंगी, उनके लिए महिलाओं के लिए भी सुविधा है, उनके लिए बच्चे परफॉर्म करेंगे, उनके लिए ग्रीन रूम ड्रेस चेंज कहाँ होगा ये हुआ, लाइटिंग साउंड सिस्टम सारी चीज़ों पर बात हुई। हमने ये कहा कि ये सुझाव दिया कि ऐसा कोई भी कार्य करिए, लाइट हो साउंड हो, कि 15-20 साल बाद भी हम लोगों को वो चीज़ काम आए, हम लोगों को उसको बार बार हर 2 साल में अल्टरनेट नहीं करना पड़े, जिससे सरकार पे अनासे हर 2 साल बाद एक खर्चा आता है जो बजट। मोदी जी इसके सख्त खिलाफ हैं, पूज्य महाराज जी भी इसके सख्त खिलाफ हैं, तो ऐसा कोई भी काम सरकारी हो जहाँ पर एक ही बार में इन्वेस्टमेंट हो, तो 15-20 साल की सोच वाला काम हो,
जो कि हमारी सरकार सोचती है, उसी के मद्देनज़र हम लोग सारे रोड मैप बनाते हैं। तो उस हिसाब से आई एम वेरी हैप्पी।